हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये जो टॉपिक है वो टेंसर कैलकुलस पर बेस्ड है और ये डिटरमिनेंट्स जो है वो नॉर्मल डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन से अलग है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें एक डिटरमिनेंट कंसिडर किया है जो कि हमारा ए है। किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट का साइन अंदर है a11, फिर a21 और यहाँ से कैसे चला जाए an1, फिर a12, a22 और ऐसे कहाँ था an2, ऐसे लास्ट में आ जाएगा a1n, a2n, ऐसे ann। ये हमारे क्या होंगे? लेट द एलिमेंट जो हमारे हैं aij के रूप में है ना, बी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ xyz adc। ये जो फंक्शन है वो हमारे किनके फंक्शन है? xyz के हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले हम x के करस्पॉन्डिंग करते हैं, वैसे ही हम बाद में y, z और atc के टर्म्स में करते हुए जाएंगे। तो ये जो हमारा a है उसको हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ध्यान से देखना है आपको। डेरिवेटिव साइन लगानी है। पहले वाला ऑपरेटर का होगा डेल a11 ओवर डेल x प्लस डेल a21 अपॉन इंटू डेरिवेटिव डेल x डॉट डॉट डेल an1 डेल x। मतलब पहले वाले रो का किया हमने, बाकी जो रो है ना बचे हुए नीचे वो वैसे के वैसे आपको लिख देने हैं। फिर प्लस का साइन, पहले वाले रो का हो चुका है, अब सेकंड वाले रो का करना है और बाकी के ऐसे लिख देने हैं। फिर अगले वाले में क्या होगा? फर्स्ट सेकंड तो आप ऐसे लिख देंगे, थर्ड वाले का रो का करना है और लास्ट ऐसे ही करते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे? बाकी सारे रो वैसे के वैसे हो जाएंगे, लास्ट में वाले का रो का कर देना है। डेल a1n अपॉन डेल x डेल a2n ओवर डेल x, ऐसे ही चलना है। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व ही तो करना पड़ेगा ना हमें। तो जब हमने अभी डेरिवेटिव किया है, ये भी हमने डेरिवेटिव किया है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना है। इसको जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा डेल a11 ओवर डेल x a11 लिखना है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी आपको याद भी रखनी पड़ सकती है क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन है। फिर प्लस डेल a21 अपॉन डेल x a12 हो जाएगा, ऐसे ही डेल an1 अपॉन डेल x इंटू a1n। समेशन कन्वेंशन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए डेल a1, ये 1, 2, ये तो वेरी कर रहा है लेकिन ऊपर 1 फिक्स है, यानी कि डेल ai1 अपॉन डेल x इंटू a1i, ये हो जाएगा। सिमिलरली आप जब सेकेंड जो डिटरमिनेंट हमारा उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब की बार सेकेंड ये फिक्स है तो समेशन कन्वेंशन लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और इन जनरल आप जब लास्ट वाले का करेंगे तो डेल a1n अपॉन डेल x इंटू an i मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर हमने तो सारे निकाल दिए, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, सबका निकाला। अब हमें इनको जोड़ना भी तो है क्योंकि जो एडिशन का साइन है। अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। तो देखिए डेल a11 अपॉन डेल x a11 a1 i, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 i और यहाँ n है तो यहाँ n i। तो ये जब हम क्या करेंगे, इसको हम समेशन कन्वेंशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन कन्वेंशन लगाएंगे तो डेल, देखिए ये 1, 2, 3 ये वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ क्या लगा दिया? डेल aij अपॉन डेल x aj i, जो चीज़ वेरी कर रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर अगर j है तो यहाँ पर भी j होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होता है, i होता है, उस रूप में हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारा डेल ओवर डेल x का आया है, इसीलिए अब हम इसी रूप में जब हम डेल y का करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा और z का करेंगे तो z आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। आने वाले वीडियो पे आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पूछे गए हैं वो मिल जाएंगे। तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा।